हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर के बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। 2024 के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज हम लोगों ने चलाई है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पेपर हो गया था, उसको अपलोड भी कर दिया हम लोगों ने। सेकेंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग इसको बोलते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान एवं जैव रसायन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बीएससी सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे। पेपर सेकंड की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है और पेपर 33 नंबर का होता है। मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब इसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट है उसकी हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। रस आरोहण क्या है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत के गुणों व दोषों सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है इसमें जल संवर्धन, बी है सूक्ष्म व स्थूल पोषक तत्व, सी है द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना, और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का डी, जल की भौतिक व रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट सेकेंड की। यूनिट सेकेंड के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है C3 चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन, नेक्स्ट है वायवीय व अवायवीय श्वसन, नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, और नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? एंजाइम क्रिया की क्रिया विधि को समझाइए। नेक्स्ट है प्रोटीन के रासायनिक व भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें ए है प्रोटीन की संरचना, बी है वसा अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण यानी बीटा ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट है डी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सैकेराइड इसकी क्या होती है? इकाई होती है एक तरीके से, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो उसके अंदर देखिए कि क्या रहता है कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इस तरीके से 3 टाइप्स को अंदर हम लोग बांट सकते हैं इसको। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो टाइप्स हैं उनके अंदर भी एग्जांपल्स भी हम लोग ले सकते हैं। मोनोसैकेराइड होता है उसका एग्जांपल होता है ग्लूकोज होता है, तो इस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग इनके ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट की हम लोग बात करते हैं, फोर्थ की जो लास्ट यूनिट है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन के कार्य की प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का पौधों की वृद्धि में ऑक्सीन व साइटोकाइनिन की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें ए है दीप्तिकालिका, बी है बसंतीकरण, सी है लास्ट इसमें बीज प्रसुप्ति। तो ये बात कर ली हम लोगों ने पेपर सेकंड की। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।